साधु संतों की अपनी अलग दुनिया है। इनका रहन सहन सबसे अलग होता है। बाबाओं के कारनामों की वजह से अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार किसी बाबा की करतूत की वजह से नहीं, बल्कि एक संत की लंबाई की वजह से चर्चा है। बाबा महादेव भक्त की लंबाई सिर्फ 18 है, यानी ये बाबा सिर्फ 1.5 फीट के हैं। बाबा के बाएं हाथ और पैर में हड्डियां भी नहीं है। ये अपनी कलाइयों को जैसे चाहे वैसे मरोड़ सकते हैं। बाबा ने शरीर के एक पूरे हिस्से को रबड़ की तरह मोड़ लेते हैं। बाबा का खाना दिन भर में सिर्फ एक रोटी है, यानी बाबा दिन भर में सिर्फ एक रोटी खाकर रहते हैं। उनका मानना है कि जब सभी लोग अपने खाने में से एक रोटी कम कर देंगे तो देश का कोई भी शख्स भूखा नहीं रहेगा। बाबा मूल रूप से हरिद्वार के रहने वाले हैं। महादेव भक्त के परिवार में उनके जैसा ही उनका एक जुड़वा भाई और 3 बहनें हैं। उनके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह और माता का नाम सुनीता देवी है। वह एक साधारण परिवार से हैं। बाबा पिछले 25 साल से हरिद्वार के भारत माता मंदिर में रहते हैं। बाबा लोगों को सच के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। उनका मानना है कि सत्य के मार्ग से ही सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। बाबा देश भर में घूम घूम कर लोगों को सच्चाई का साथ देने की सीख देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।